कुछ ही देर में शुरू होने वाला है इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स के बीच में मुकाबला। जानेंगे इंडिया लीजेंड्स की पॉसिबल प्लेइंग 11, साथ में जानेंगे कहां पर देखा जा सकता है इस मुकाबले को लाइव। वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि ये मुकाबला इंडिया लीजेंड्स की टीम जीते तो इस वीडियो को नीचे एक लाइक करना ना भूलें। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 का 14वां मुकाबला इंडिया लीजेंड्स और इंग्लैंड लीजेंड्स के बीच में खेला जाएगा। ये मुकाबला राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में खेला जाना है, जो कि शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आपको बता दें, इसी मैदान पर कल वेस्ट इंडीज लीजेंड्स और न्यूजीलैंड लीजेंड्स के बीच में मुकाबला खेला जाना था, जो बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इंडियन फैंस के लिए भी बुरी खबर है, इस मुकाबले पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है। हो सकता है कि आज शाम होने वाले इस मुकाबले में हमें बारिश देखने को मिले। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 में कई मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हुए हैं। इंडिया लीजेंड्स के पिछले दो मुकाबले भी बारिश की वजह से नहीं हो पाए, इसलिए अब यहां से इंडिया लीजेंड्स के लिए ये दोनों ही मुकाबले काफी महत्वपूर्ण हैं। इंडिया लीजेंड्स की टीम को पहले इंग्लैंड लीजेंड्स और बाद में बांग्लादेश लीजेंड्स के खिलाफ मुकाबला खेलना है। इंडिया लीजेंड्स की टीम इन दोनों ही मुकाबलों को जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाना चाहेगी। अगर हम रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इस समय वेस्ट इंडीज लीजेंड्स की टीम टॉप पर बनी हुई है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका लीजेंड्स की टीम है। इंडिया लीजेंड्स की टीम इस समय तीसरे स्थान पर मौजूद है। हालांकि इंडिया लीजेंड्स का सेमीफाइनल में पहुंचना अभी भी बिल्कुल भी आसान नहीं है। चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड लीजेंड्स की टीम है तो पांचवें स्थान पर साउथ अफ्रीका लीजेंड्स है। अगर हम बात करें इस मुकाबले को आप कहां पर लाइव देख पाएंगे तो आपको बता दें, कलर सुपर हिट्स, कलर सिनेप्लेक्स और स्पोर्ट्स 13 चैनल पर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग बूट सिलेक्ट पर देखी जा सकती है। अगर हम इंग्लैंड लीजेंड्स के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले के लिए इंडिया लीजेंड्स की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो सचिन तेंदुलकर, नमन ओझा, सुरेश रैना, स्टुअर्ट बिनी, युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, मनप्रीत गोनी, राहुल शर्मा, प्रज्ञान ओझा और मुनाफ पटेल खेलते हुए नजर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया लीजेंड्स की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।